असम राज्य के होजाई क्षेत्र में आयोजित सर्व भारतीय नोनिया समाज सम्मेलन के कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। सूत्र के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्र से नोनिया समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे भारतवर्ष से आए नोनिया समाज के लोगों ने समाज के उन्नयन, शिक्षा के विकास तथा कई क्षेत्र में सरकारी अधिनियम को सामाजिक उन्नयन में लागू करना, कई क्षेत्र में संरक्षण बरकरार रखना व कई और मांगों को लेकर विस्तारित तौर पर सभा में आलोकपात भी किया गया और कई सिद्धांत भी लिए गए। आने वाले दिनों में राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष नोनिया समाज उन्नयन संस्थान सर्व भारतीय स्तर पर अपनी मांगों को सामने रखेगी और मांगों की आपूर्ति के लिए प्रशासन को दबाव भी डालेगी। बहरहाल नोनिया समाज सम्मेलन के चलते पूरे भारतवर्ष में नोनिया समाज के सभी स्तर के लोग एक मंच पर जुटने में कामयाब हो गए हैं और समाज में शिक्षा के विकास तथा आपसी भाईचारा, कला संस्कृति के विकास होने की लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। सिलचर से भी जाने माने हस्तियों ने नोनिया समाज सम्मेलन में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और बराघाटी का नाम रोशन भी किया। तेरे को बोले के परी तब ना भोजपुरी पूरे एकदम कहा जला कि जय जवान जय किसान। भोजपुरी ऐसा भाषा हाथी बोलला पे मीठ लगेगा, टेढ़ बोलला पे खराब लगेगा। Yeah.
हमारी केवल मांग है कि गरीबों को, पिछड़ों को, चौहान पर लोनिया चौहान लक्ष्मियों के अहित होगा तो फिर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरा संगत है संवैधानिक है और उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए और जो ये और हमने के आपन हक और अधिकार
मांगे के नहीं थे, छीने के बाद, छीन के लेने के बाद, और छीने तब जब हमने के जागृति रही, हमने के आगे बढ़न सर, और हम लोग वो तरह से आई एमएलए एमपी हमारा खुशी बात कि यहाँ पर मुखिया हमार बाड़ी 10 वार्ड पार्षद यानी एक गांव में हम बतावे के चाहते जी महामहिम जी, एक गांव में अगर 10 वार्ड पार्षद है तो चौहान है, अगर मुखिया है तो चौहान है। इसी तरह हम लोगों को ये राजनीति चेतना को जगाना है, आगे बढ़ना है, यही सब बातों को करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार हमने के मुख्यमंत्री नरेंद्र जी के। अब हमने के और मुद्दे पे आऊंगी सीधे कि आज
जी जदयू के प्रवक्ता बड़ी भारती दीदी मंच में विराजमान, संतोष भाई मंच में विराजमान, पूर्व एमएलसी भाई गणेश भारती जी, भाई अशोक चौहान जी, हमनी के उत्तर प्रदेश के गार्जियन और महामहिम के भाई आदरणीय कैलाश चौहान जी, हमारे जितना भी आरएनएसएस के पदाधिकारी बा और 20 राज्य के जे अध्यक्ष आई बलो और सभी आसाम के कोना कोना से आई भाई बहन और 20 राज्य के जे आई बा भाई बहन, सब कोई के सबसे पहले प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत बा। रउआ लोग बहुत बड़ा काम कइले बानी, जब तक संगठित ना होखे, जब तक आवाज ना उठाए तब तक आवाज मिले वाला नहीं थे, और जब संगठित हो जा तो अपने आप सब कोई भी, जब हमने के संगठित भइले जा तो हमने के आवाज का भाई 15 दिन से लटकैले रहे वो 70 साल से, कभी संवैधानिक दर्जा ना मिले रहे अति पिछड़ा के, तो आज संवैधानिक दर्जा भारत सरकार दे ले बा। 75 बरस में कभी दुनिया के बेटा बेटी गवर्नर ना बनल रहे, लेकिन वो बनल बा। 75 बरस में कभी दुनिया के बेटी उप मुख्यमंत्री ना बनल रहे, वो भी बनल बड़ी, और हमने के मंत्री बनल बालो, लेकिन कहेला रउआ लोग के आशीर्वाद से, रउआ लोग के संगठित से देखी राजनीतिक चेतना जागे के चाही, और राहुल ये संस्था जन बा ये सामाजिक काम करके सारा लोग के बिटोर ले बा, तो हमारा सामाजिक जन बा सरोकार तो रहे के ही चाही, सामाजिक काम भी करे के चाही, हमने के एकता भी रहे के चाही, हमने के संगठन भी रहे के चाही, तभी हमने के आवाज के बुलंद कर सकला दिया। और निश्चित रूप मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मैं खड़ा होगा और मैं
मैं इसको बिहार के छोड़ूंगा। जो हमारे संविधान में है कोई जो है कह रहा है कि हमको किसी की भीख की जरूरत नहीं है, हमको मिलना चाहिए। अगर मिलता तो हमारे में भी कितने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते और नौकरियों में जाते। लेकिन इतना बड़ा भेदभाव है तो मैं इसके लिए जो है कह रहा कि इस बात को लेकर के मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। आज ही नहीं, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जब तक आपका ये अधिकार जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं हर बार यह तैयार करूँगा। और आपके बीच में मंच के जो दुनिया पड़ा है उसके यही अध्यक्ष है भारती जी भी आए हैं। ये भारती जी आए हैं जो कि हिंदू धर्म पार्टी पे जनता दलीय पकड़ रखती है। कोई भारतीय रेणु जी है भारतीय जनता पार्टी से है। इसी तरह से जितने लोग हैं अन्य अन्य पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए थे, मैंने सोचा कि उसको इकट्ठा करने में काफी पकड़ करता होगा। इसलिए तय हुआ कि यहाँ पर कोई राजनीति किसी दल को जिता रहे किसी दल को हरा रहे किसी दल के खिलाफ बोले न बोला जाए। तो ये बात उभर कर आई आखिर में जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो बोला क्या जाएगा। तो बाद में ये हुआ कि केवल ये कहा जाए हमारी बात इन साथियों की बात केवल आरक्षण की केवल आरक्षण का नाम जो है अपम के अंदर और एक अजीब तरीके से दिया जा रहा है कि ये कई जिले में एक जात को किसी तापी में मिला किसी तापी में नहीं मिला। एक ही जात के लोगों को ये बगान का लेवल के रूप में नाम दिया जाता है वो कहीं नौकरी नहीं पाता और बड़ा हो जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये संवैधानिक भी है और न्याय प्रकट भी है कि आज जो आरक्षण है आरक्षण को दिया जाए। और हमारे पास जो है कह रहे हैं कि इस समय जो है मोदी जी के तरह में उनकी सरकार है, मैं उनकी तारीफ और शिकायत करने नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि कहना पड़ेगा कि गरीबों के प्रति हमदर्दी है और जरूर हमारी